अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मिशन जागृति संस्था ने जेसी बोस यूनिवर्सिटी में महिला सम्मान दिवस मनाया। कार्यक्रम में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने शिरकत की। कार्यक्रम में फरीदाबाद की महिला पत्रकारों को भी नारी सम्मान दिया गया। वहीं बीटीआई की महिला टीम ने फैशन शो भी आयोजित किया। कार्यक्रम में रोटेरियन मीनू गुप्ता, डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद की प्रिंसिपल सुरजीत खन्ना, सीए कनिका गर्ग, जेसी बोस यूनिवर्सिटी से नीतू गुप्ता और बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैम, YMCA यूनिवर्सिटी आप पहुंची हैं और इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे आज? मैं एक ही बात कहूंगी कि जब वुमेन्स डे आता है लोग होड़ में लग जाते हैं कार्यक्रम करने में, क्यों नहीं हर बार हर रोज महिलाओं को वही सम्मान देते? क्योंकि वुमेन किसी घर में अगर ना हो लगातार, या केवल ऐसा 8 मार्च के दिन ही महिला अगर घर में हो तो कैसा लगेगा वो घर, एकदम सूना। इसी तरह से पूरा साल हर दिन हर पल महिलाओं के साथ रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, खुशहाली के साथ रहिए, चाहे वो आपकी माताजी हैं, चाहे वो आपकी बहन है, पत्नी है, दोस्त है, जो भी रिश्ता आपका किसी के साथ है उस रिश्ते को शोभायमान करते हुए अपना जीवन जिए और हर रोज वुमेन्स डे मनाएं। मैं महिलाओं को अवेयर करने के लिए क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं? मैं तो एक ही बात हर जगह कहती हूँ, आपको भी वही बात कहूंगी कि महिलाओं को खुद अवेयर होना होगा, अपने अंदर से जागृत होना होगा। ये जमाना किस तरह से चल रहा है आप कभी नहीं सोच पाएंगे और आप जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको खुद स्ट्रांग होना है। आपके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति है, उसको जागृत कीजिए। आपके अंदर वो स्ट्रांग एबिलिटी है, उसको स्ट्रांग बनाए रखें, उसको बाहर निकालिए। आप एक खूबसूरत और बोल्ड महिला है, अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने आप को इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से लीजिए। मुझे लगता है जो महिला अपने आप को पॉजिटिव लेगी, बैलेंस चलेगी, अपने आप को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मान के स्ट्रांगली चलेगी, वो कभी कहीं मात नहीं खाएगी।